हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ऋतु और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ऋतु को। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले कि काफी सारे नए यूट्यूबर हैं जो सोचते हैं कि भाई हमारे वीडियो के अंदर काफी नॉइज आता है और हमारे पास कोई माइक भी नहीं है, तो किस तरीके से हम यहाँ पर वॉइस को क्लियर करें, किस तरीके से हमारे व्यूअर्स को हमारी वीडियो देखने में इंटरेस्ट पड़े, इसलिए हमारी नॉइज आती है जो बैकग्राउंड में, तो उस नॉइज को दूर करें। तो आपने नॉइज दूर करने के लिए काफी सारे प्रयास किए होंगे, आपने बैकग्राउंड में काफी सारे ऐसे म्यूजिक रखे होंगे, इफेक्ट रखे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट और बेहतरीन म्यूजिक मिले तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आई बटन पर जाइए, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड को क्या म्यूजिक है वो बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। काफी सारे नए नए वहां आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिल जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी माइक भी नहीं है, ना ही है यहाँ पर आपके पास ईयरफोन है, और आप देख सकते हैं आज मेरे भी कोई बोया का माइक भी मेरे पास नहीं है, फिर भी ये मेरी जो वीडियो शूट हो रही है वो दोस्तों विदाउट माइक है। कोई माइक यहाँ पर ना ही मेरे पास ईयरफोन है, ना ही मेरे पास कोई माइक है, और विदाउट माइक ये वहां पर मेरी ऑडियो यहाँ पर जो वॉइस है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, और आप इस वॉइस को आप सुन सकते हैं, आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, ये वॉइस भी काफी क्लियर आपके सुनाई दे रही होगी। और किस तरीके से मैंने इस वॉइस को यहाँ पर क्लियर यहाँ पर रखा है, किस तरीके से आप भी रख सकते हैं अपनी यहाँ पर वॉइस को क्लियर, वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर से देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देना चाहूंगा, यानी कि आपको सुना देता हूँ अभी जो मेरे यहाँ पर आपको वॉइस में आपको सुना होगा, जो वॉइस मेरे इस वाले फोन से जो अभी मेरा यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है उसी फोन से आपको सुनाई देगा। तो अभी अभी ये वॉइस सुनेगा, तो अभी दोस्तों आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं जहाँ पर आपको काफी सारा ऐसा नॉइज भी आपको देखने को मिलेगा, और साउंड में आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड का नॉइज भी यहाँ पर आपको शायद सुनने को मिलता होगा। लेकिन अब मैं आपको एक वॉइस सुनाता हूँ, वो आप सुनिएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों मेरी वॉइस देखिए, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है जो मैंने अभी आपको वॉइस सुना है उसमें और अभी। ये मैंने कैसे किया, तो अगर आपके पास दोस्तों कोई भी ईयरफोन नहीं है, ना ही आपके पास माइक है, और आप यहाँ पर कोई नया माइक ले सके उतना भी यहाँ पर आपके पास पैसे नहीं है, और तो अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि आपकी वॉइस क्लियर कैसे है, तो आपके पास एक और स्मार्टफोन होना चाहिए, एक स्मार्टफोन आपका रिकॉर्ड हो रहा है उसके अलावा भी एक स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए। और ये देख सकते हैं मेरे पास अपना एक दूसरा एक स्मार्टफोन है, और इसी स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों मेरी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ऑन है, यहाँ पर भी मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, एक वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो जब भी आप वीडियो एडिटिंग करें तो क्या करना है, आपकी ये वीडियो के अंदर जो वॉइस है उसी वॉइस के नीचे आपको ये वाला वॉइस भी वहां पर आपको सेट कर लेना होगा। तो ऐसे में आपकी जो वॉइस है वो दोस्तों काफी डिफरेंट लगेगा, और आपका जो भी नॉइज होगा वो यहाँ पर दोस्तों काफी रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसे में आप सोचते होंगे कि बैकग्राउंड में काफी सारे ऐसे नॉइज आते हैं, तो वो सारे यहाँ पर आपको नॉइज नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही आपको सुनाई देगा कोई भी नॉइज। और ये दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया ठीक है, और कहे तो भाई ये देसी जुगाड़ भी है, आप इसे यूज कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, आपकी वीडियो के जो साउंड है उसके अंदर काफी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपने अभी मेरी जो वॉइस सुन रहे हैं वही वॉइस क्लिप दोस्तों ये दोनों मोबाइल के अंदर जो रिकॉर्डिंग है दोनों रिकॉर्डिंग को मैंने एक साथ मिला दिया है। ऐसे में दोस्तों आपको मेरा जो बैकग्राउंड का जो नॉइज है वो भी यहाँ पर आपको काफी कम सुनाई देता होगा, या फिर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता होगा। अभी मुझे भी नहीं पता कि बैकग्राउंड का नॉइज कैसा सुनाई देगा, वीडियो एडिटिंग करूंगा जब मैं खुद सुनूंगा तब मुझे पता चलेगा, लेकिन मुझे पता है दोस्तों मैंने एक बार ट्राई किया था काफी ज्यादा डिफरेंट पड़ता है अगर आप एक ही स्मार्टफोन के जरिए वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड करो। उससे बेहतर है कि आप एक स्मार्टफोन से आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ऑडियो भी उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, और दूसरा एक स्मार्टफोन आप अपने पास में रखिए, आप अपने जेब है तो जेब के अंदर रख सकते हैं, अभी टी शर्ट में जेब दी है इसलिए मैंने अपने स्मार्टफोन को हाथ में पकड़ कर रखा है। तो आप भी स्मार्टफोन को इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर आप कैमरे के नीचे रखिए या फिर कहीं पर भी रख दीजिए, और आपकी ऑडियो है वो इस स्मार्टफोन में भी यहाँ पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, और दोनों ऑडियो को एक साथ मिला दीजिए, काफी डिफरेंट मिलेगा, देसी जुगाड़ है, आप भी ट्राई कीजिएगा, काफी बेहतरीन है। आपको 0 रुपीज है, कोई भी चार्ज लगाने की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, और आपका नॉइज है वो दोस्तों काफी क्लियर लोगों को सुनाई भी देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको छोटी सी वीडियो काफी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल पर पहली बार है और ऐसी और भी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो रोजाना मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम आज की वीडियो को यही तक ही रखते हैं, मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया सभी लोगों का, जय हिंद जय भारत।